दादा नमस्कार। राम राम दादा। राम राम दादा, मेरा नाम रामबो पंवार है और मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस राजगढ़ से आया हूँ। तो आपका परिचय दोगे आप? मेरा नाम फूल सिंह है, मैं गांव कलपोनी का रहने वाला किसान हूँ। अच्छा, तो आज क्या काम कर रहे हो खेत पे? ये प्याज के लिए नर्सरी बेड तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, प्याज लगाने के लिए, बीज बोने के लिए आप नर्सरी तैयार कर रहे हो? हाँ सर। तो आप जो नर्सरी तैयार कर रहे हो, तो इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दे देंगे आप? बिल्कुल सर। ये जो नर्सरी बेड होता है 3 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ाई इसकी, और इसमें बक्कर निकाल के और गारा वारा ये मिट्टी विट्टी इकट्ठी करके और आसपास नाली बना देते हैं। हाँ, वो क्या है कि पानी गिरे ना तो नीचे लग जाए इस नाली में, जो बनती है। हाँ, उससे बीज को नुकसान नहीं होता है। तो दादा, जो आप ये नर्सरी बना रहे हो, तो इसमें अपने को सामग्री क्या क्या लगती है? इसमें एक तो ये कारचा लगता है। अच्छा, ये जो है बता रहे हैं आप, ये कारचा। इससे क्या है, मिट्टी इकट्ठी कर लेते हैं हम आसपास से। वो क्या है कि जगह ये गड्ढा बन जाता है ऐसे। तो ये एक ही लगता है। और इसके अलावा और क्या सामग्री लगती है? और मैं गोबर की खाद है। ये जैसे हम नर्सरी बेड तैयार करते हैं तो इसको इस बेड में मिलाते हैं, एक बेड में 5 किलो खाद मिलाते हैं, गोबर की खाद। तो दादा जी, आपने अभी मुझे इस नर्सरी बेड की सामग्री के बारे में अच्छे से बताया, तो आप मुझे एक बेड बनाकर दिखाएंगे किस प्रकार आप बनाते हैं? बिल्कुल, देखिए बनाइएगा। ऐसे मिट्टी खींचते हैं। अच्छा अच्छा, इस प्रकार इससे मिट्टी खींचते हो आप? हाँ। सब दोनों इधर से मिट्टी खींचोगे, फिर इधर से भी खींचोगे? इधर से भी खींच दो, इस इधर से भी खींच दो, दोनों तरफ से खींच दो। हाँ, ऐसे खींचते हैं। अच्छा, इस प्रकार ही आप दोनों तरफ से? दोनों तरफ से मिट्टी खींचते हैं। ऐसे। हाँ, ये अपना नर्सरी बेड बन गया। ये नर्सरी बेड बन गया। तो दादा जी, आपने अभी ये तो जो मिट्टी है दोनों तरफ से आपने मिट्टी चढ़ा दी है। हाँ, नर्सरी पे। हाँ। अब इसमें और क्या क्या और काम करते हैं इसके बाद? और काम करते हैं ना, ये गोबर का खाद मिलाते हैं। अच्छा, इसी बेड पे आप खाद मिलाते हैं? हाँ। तो वो भी दिखाओ ना हमको कैसे। हाँ बिल्कुल, दिखे, देखिए आप इस प्रकार इस खाद को मिलाते हैं। इस प्रकार इस खाद को मिलाते हैं, पहले तो सुबह बिखेर देते हैं। बिखेर देते हैं इस तरीके से। अच्छा, ये पूरा बेड पे ऐसे ही ऐसे करोगे आप? हाँ सर। ये आपकी 5 किलो खाद है? 5 किलो गोबर की खाद है, 5 किलो पकी हुई खाद है। मतलब पकी हुई खाद। तो ये 5 किलो पूरा बेड पे आ जाएगी? पूरे बेड पे आएगी। मतलब ये पूरा बेड पे इस प्रकार से ये खाद बीज जाएगी। तो दादा जो, अभी आपने उसमें बेड पे जो गोबर की खाद मिलाई है, बिखेरी है, क्यों बिखेरी आपने? इससे क्या है कि बीज अच्छा पोषण मिलता है, इससे अच्छा बीज को अच्छा तैयार होता है। अच्छा, बीज अच्छा तैयार, मजबूत रहता है? मजबूत रहता है। अच्छा, तो इस मिलाने इसको ऊपर बीज डाल देते हो इस पे? और नहीं नहीं, इस पे ये मिलाऊंगा ना मैं इसको, इसको मिट्टी में, ये जैसे हमने बिखेरा इसको, इसको फिर मिट्टी में मिला दो। अच्छा, ऐसे ऐसे मिट्टी में मिला दो इसको। तो आपका जो ये है कारसिया, क्या बोलते हैं इसको? कारसिया। हाँ, तो इससे आप इसमें मिला दोगे? मिला देंगे, ये नीचे उतर जाएगा थोड़ा। हाँ, हाँ। ऐसे ऐसे। अच्छा, इस प्रकार इसको मिला भी देते हो आप? मिला देते हैं। तो दादा जो, अभी आपने ये बेड बनाया है, तो इसमें को अपने की इसकी ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए? इसकी ऊंचाई 3 से 4 उंगल। अच्छा, 3 से 4 उंगल इसकी ऊंचाई रखनी चाहिए। और जो आपने नाली रखी है इसके चारों तरफ, ये नाली क्या काम करती है? ये नाली ये काम करती है कि जैसे बारिश अधिक हो, हाँ, तो इस पे बीच पर पानी ज्यादा देर ना रहे और नाली में चला जाए, वो नाली में बह जाता है। बह जाता है, इसलिए नाली रखते हैं। इसलिए नाली रखते हैं।
दादा जी, अभी आपने मुझे नर्सरी बेड की प्रक्रिया के बारे में बताया, बना के भी दिखाया, तो इसमें अपने को सावधानी क्या रखनी चाहिए, इसके बारे में बताएंगे आप? सावधानी यही रखनी चाहिए कि जैसे हमने बेड बनाया, हाँ? ये जो नाली खोदी, ये बेड इससे 3 से 4 उंगल ऊपर रहना चाहिए। वो क्या है, बारिश होने के कारण बीज खराब ना होए, तो पानी, अधिक पानी गिरने से वो नाली में चला जाता है। अच्छा, तो ये सावधानी, ये सावधानी बहुत जरूरी है। तो दादा, जो भी आपने नर्सरी बेड बनाया है, हाँ? तो इसमें अपने को सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए? सावधानी यही कि गोबर का खाद पका हुआ खाद होना चाहिए, वो कच्चा खाद से दीमक लग जाता है। अच्छा, तो कच्चा खाद नहीं होना चाहिए, पका हुआ खाद होना चाहिए। गोबर का पका हुआ खाद, गोबर का, हाँ, पका हुआ खाद होना चाहिए। तो दादा, जो भी आपने मुझे नर्सरी बेड की सावधानी के बारे में अच्छे से बताया, तो इसमें अपने को उससे बनाने से अपने को लाभ क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल बताएंगे। इससे ये हमें ये लाभ है कि जैसे बेड बनाया हमने, हाँ? तो इसे ज़मीन से 3-4 उंगल ऊंचा रखते हैं, हाँ? तो इसमें हम जब बीज बनाते हैं, चाहे कितना ही महंगा बीज हो, हाँ? तो वो क्या है कि बीज खराब नहीं होता है, वो पैसे की बचत होती है। जितने बीज हम बाते हैं, हाँ? उतने ही उतने उगते हैं। तो और क्या लाभ भी है नर्सरी से? इससे ये लाभ है कि जब हम बीज को एक खेत से दूसरे खेत में उखाड़ कर ले जाते हैं, इसे लगाने के लिए रोप बन जाता, रोप बन जाता है, पौधा बन जाता है, तो इसे ले जाते हैं तो उखाड़ने में सुविधा होती है, इसकी जड़ें नहीं टूटती हैं, अच्छे से उखड़ जाता है। इसके अलावा और भी कुछ लाभ है इसके? है ना, जैसे हम इसमें जब ये बीज बोते हैं, हाँ? तो इसमें खरपतवार होती है, हाँ? तो उसको उखाड़ने के लिए हमें कनी में, इसमें बीज में नहीं दसना पड़ता है। अच्छा। इसको क्या है कि बाहर से नाली के पास से खरपतवार को उखाड़ सकते हैं, दोनों साइड से खरपतवार को उखाड़ सकते हैं। ये भी इससे फायदा, ये लाभ है आपने बताया, ये लाभ है। तो दादा, जो भी आपने बेड बनाया है, हाँ? तो ये इतना, इसकी आप ऊंचाई बता रहे हो 4 अंगुल ऊंचाई रखना जरूरी है, तो ये जरूरी है क्या? जरूरी है, बरसात के लिए तो जरूरी है, आवश्यकता, क्योंकि जैसे हम ये बीज को तैयार करते हैं बारिश में, तो बारिश में अब जैसे कि अब के बहुत बारिश हुई, हाँ, हाँ। तो इससे क्या है, बीज खराब नहीं होता, ये बारिश के लिए तो जरूरी है। अच्छा, बारिश के लिए ये ऊंचा होना जरूरी होता है? जरूरी है, ये जमीन से 3-4 उंगल ऊंचा जरूरी है। आप जो इसके बारे में, नर्सरी के बेड के बारे में अपने जो अन्य किसान भाई है, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? दादा, जो भी आपने मुझे नर्सरी बेड के बारे में बताया और इसके लाभ और इसके संदेश, इसके बारे में जो सावधानी के बारे में मुझे बताया है, तो आप जो अपने अन्य किसान भाई जो हैं, उन्हें इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो भी प्याज के लिए बीज लगाएं, वो नर्सरी बेड बनाकर ही लगाएं, क्योंकि हम बाज़ार से बहुत महंगा बीज लाते हैं, तो बीज खराब ना हो, इसलिए बेड बनाकर, नर्सरी बेड बनाकर ही बीज लगाएं। दादा, जो आपने नर्सरी बेड के बारे में मुझे और मेरे अन्य किसान भाइयों को जो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी दी, इसके लिए आपको मेरी तरफ से और मेरी संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दादा, राम राम।